कसूर की बेकसूर जैनब समेत सात बच्चियों को इंसाफ मिल गया। मासूम बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले दरिंदे मुजरिम इमरान को कोर्ट लखनऊ जेल में फांसी दे दी गई। मुजरिम 30 मिनट तक तख्तादार पर लटका रहा। जैनब के वालिद के सामने फांसी दी गई। मुजरिम इमरान की फांसी निशाने इबरत है, हमें इंसाफ मिल गया। मुजरिम का इबरतनाक अंजाम अपनी आंखों से देख लिया। जो भी ऐसा फेल करे उसका यही अंजाम होना चाहिए। जैनब के वालिद अमीर अंसारी की मीडिया से गुफ्तगु, ऐसे जरायम के खात्मे के लिए मुजरिमान को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। मुजरिम के अहले खाना एम्बुलेंस में लाश लेकर रवाना। सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुजरिम इमरान को कसूर में नहीं दफनाया जाएगा। मुजरिम की लाश को कमाहा कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत, शहबाज शरीफ नैब के तहवील में पीआईए की परवाज से इस्लामाबाद रवाना। शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस से एयरपोर्ट लाया गया। इजलास का वक्त खत्म होने के बाद शहबाज शरीफ नैब की तहवील में रहेंगे। आबिद बॉक्सर के खिलाफ कत्ल और फ्रॉड समेत 10 मुकदमात की समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर ने आबिद बॉक्सर को 5 मुकदमात बेकसूर करार दे दिया। आबिद बॉक्सर का फरार और जाली चेक के मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर सेशन कोर्ट ने 5 मुकदमात में अबूरी जमानत में 29 अक्टूबर तक तौसी कर दी। तमाम मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। सानिहा मॉडल टाउन में मुलव्वस 147 पुलिस एहलकारों को ओहदों से हटा दिया गया। जराए के मुताबिक डीएसपी इंस्पेक्टर्स इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत तमाम एहलकारों को लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। सानहे में मुलव्वस 4 एसपीस को पहले ही फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया गया था। कब्जा माफिया का डॉन मंशा बम को आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। सरकारी वकील ने मंशा बम का जिस्मानी रिमांड लेने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। मंशा बम ने गुज़श्ता 10 साल में सरकारी अराजी से 60 करोड़ रुपए किराया वसूल किया। दरख्वास्त का मतन। स्पॉट फिक्सिंग में सजा याफ्ता क्रिकेटर शजील खान का ईसीएल से नाम निकालने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और डीजी इमिग्रेशन को नोटिस जारी कर दिए। 26 नवंबर को जवाब तलब। और यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में दूसरे एरोबिक्स मुकाबले, नन्नी तालिबात की सलाहियतों ने हाजरीन के दिल मोह लिए।